हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी ऑन लैब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मीठा छा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अनअकैडमी ऑन लैब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके तीन भाग में आपका इतिहास बटा हुआ, आपके एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो है स्टोन एज टॉपिक, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपका 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। किस चीज़ पे? तो आपके अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे। ऑफर लिमिटेड है आपका। आपका अगर कहा जाए तो बिहार स्टेट एग्ज़ाम, अगर आप लोग 2024 की तैयारी करते हो तो उसमें आपको जो पड़ेगा प्लस कोर्स की, जैसे कि आपको पता होगा कि ज़रूरत होती है, तो आपको मात्र पड़ेगा आपके 6879 रुपीज़ की। अगर बात किया जाए आपके बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको मात्र पड़ेगी आपकी 8319 रुपया का। और इसमें आपके क्या करोगे कि आप मेरा कोड लगा देना। अब मेरा कोड क्या है आपका, तो MJBPSC है मेरा कोड। और इस कोड का आप अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो कि है आपका MJBPSC, ना कि आपका MJBPSC, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगी। अगर आप लोग 17वीं BPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है मात्र 5249 रुपीज़ का पड़ेगा। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड लगा लोगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे इस कोर्स की बात करें या फिर आप कोई सा भी कोर्स लेते हो। तो चलिए आपके स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले आपके लिए बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है कि आपके टाइम स्केल, जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि आपके तुरंत में क्या हुआ है। तो आपके जो स्टोन एज, आपके जिसे हम लोग कहते हैं आपके नवपाषाण युग जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपके तुरंत में हुआ है। तो हम लोग ये चीज़ आपके मान सकते हैं किन किन चीज़ों का क्या हुआ था, ये चीज़ के बारे में आज मैं बताना चाहूँगी। अगर कहा जाए आपके तो कितने साल पहले जो है आपके स्टोन एज था, तो अगर माना जाता आपके कि 460 करोड़ साल आपके पहले क्या था, तो आपके जो था स्टोन एज था। उसमें ऐसा नहीं था कि भाई इंसान बन गए, इंसान चलना शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपके युग हुए, साथ ही साथ काल हुआ, अवधियाँ हुआ, जिस कारण से धीरे धीरे क्या होने लगा, तो आपके डेवलपमेंट होने लगा। इसी चीज़ के बारे में अगर कहा जाए आपकी, तो आप लोग को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आप पूछिएगा कि मैम आप क्यों नहीं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़े हुए हो। बस मैं आपको एक जो है आपको एक होता है ना फिनिशिंग देना, वो मैं आपको करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना हो, उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप पर मुझे सर्च करना होगा। मेधा झा नाम सर्च करिएगा तो मेरी क्लासेस खुल जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपकी यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ। मैं आप लोग को जो है प्ले स्टोर से अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो उस पर भी मेरी क्लासेस जो है आपको दिख जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके होमो सेपियंस के ऊपर, जिसे अगर कहा जाए तो आपके मॉडर्न मैन भी बोलते हैं इस चीज़ के ऊपर। हम लोग देखते हैं, अगर बात किया जाए ये कब आपके जो है देखा गया था आपकी, तो ये अपीयर जो हुआ था हमें होमो सेपियंस, जो आपके मॉडर्न आधुनिक आदमी, जो कि अभी हमें अगर कोई हमसे ये चीज़ पूछता, अच्छा ठीक है तुम कौन से आदमी हो, तो आप लोग बोला मॉडर्न मैन है, जिसे आपको कहा गया, एक टर्म दिया गया है जिसका नाम अगर कहा जाए तो होमो सेपियन है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ये होमो सेपियन क्या है, तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपके होमो सेपियन ही है, जिसे आप मॉडर्न मैन भी बोलते हो। तो कहा जाए ये कब आपके अपीयर हुए थे, तो ये 2500 साल आपके पहले जो है ये आपके देखे गए थे। साथ ही साथ आपके पूरे वर्ल्ड में ये आपके विस्तार हो गया आपके, इसका ब्रेन कैपेसिटी की बात करें, आपका मस्तिष्क का कैपेसिटी उस टाइम में क्या हुआ था, तो आपके स्लाइटली थोड़ी सी आपकी रिड्यूस हो गई थी। एवरेज कैपेसिटी आपकी 1450 cc हो गई थी आपकी, हालांकि कम हो गई थी ऐसा आपके माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं बताना चाहूँगी, पहला पैलोलिथिक टूल जो है वो आपके डिस्कवर हुआ था आपके भारत में ही। अगर कहा जाए तो किसने किया था, तो इनका नाम था आपके ब्रूस फुटे। ठीक है, ये आपकी PPT में नहीं लिखा हुआ है, मैं अलग से आप लोग को बता दे रही हूँ।
आपके ब्रूस फूटे नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने आपके क्या किया था, तो पहली बार फर्स्ट पैलोलिथिक टूल जो कि आपके डिस्कवर हुआ था उनका नाम था आपके ब्रूस फूटे नाम था। उसके बाद अगर कहा जाए तो ये डिस्कवर हुआ था प्री हिस्टोरिक साइट्स आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर हुए थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके जो है हिस्टोरिकल साइट आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए, तो इसमें आप बोलोगे क्या, तो साउथ इंडिया आप बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मैं जाऊंगी, जैसे जैसे उसमें आपकी और चीज़ें भी मैं बताऊंगी। आप जैसे कि विशेषता आपको लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि आखिर ये विशेषता क्या क्या थी, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपका कोई आपका लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है अभी तक आपका अवेलेबल, अगर कहा जाए तो आर्कोलॉजिस्ट जो है वो पता करते हैं, जैसे कि आपकी खुदाई करते हैं उससे आपके पता चलता है। क्या पता चलता है अगर बात किया जाए कि उस टाइम में आपके किस तरीके के लोग थे। इसके अलावा कहा जाए आपके तो इतिहास में अगर कहा जाए तो आपके जो है जब आपके आर्कोलॉजिस्ट या फिर हम लोग कह सकते हैं जब आपके इतिहास का हिस्टोरियन आपके जब ढूंढते तो उन्हें ये पता चलता कि अच्छा उस टाइम जो है आपके किस तरीके के लोग रहा करते थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही साथ सभी का वेलकम है मेरी क्लास में जो जो मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं। अब देखिए आपका टर्म सबसे पहले अगर कहा जाए आपके स्टोन एज में तो सबसे पहले आपका जो है नाम जानने को मिलता है वो है आपके पैलोलिथिक। अब पैलोलिथिक क्या होता है, तो ये आपके जो होती है सबसे अर्लीस्ट आपके जो है पीरियड है आपके किस चीज़ का, तो आपके ओल्ड स्टोन एज का कहा जाए तो आपके पुराना पत्थर का आपका सबसे पहला स्टेज माना जाता है। ये पैलोलिथिक को आप लोग आइस एज के भी नाम से जानते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी था पहले आपके जो है आइस एज के भी नाम से जाना जाता था। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि हमारी उत्पत्ति आपकी ऐसे ही हो गई है। आपके पहले जो था आपके पृथ्वी उसमें आपकी जो परत थी वो आपके आइस एज में आपके कन्वर्ट हो गई थी। वो सब तो खैर डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगी आपके अनएकेडमी, जब आप लोग जो है क्लासेस में आओगे रेगुलर तो जो है मैं आप लोग को प्लस कोर्स पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मेसोलिथिक की बात करते हैं। आखिर ये मेसोलिथिक क्या था, तो देखिए कुछ टर्म में ना आपके बटे थे, उनमें से कौन कौन से थे, तो पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक ये थे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आखिर कौन कौन से एज में आपके बटे हुए थे, तो आप लोग बोलोगे पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब मेसोलिथिक से उठता है कि मैम ये मेसोलिथिक क्या है, तो मेसोलिथिक में आप मिडिल स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी आपके मेसोलिथिक। और नियोलिथिक में अभी फिलहाल इतना ही समझे कि नियोलिथिक का मतलब होता है नया स्टोन एज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपके आर्कोलॉजिस्ट जो इतिहासकार हैं जो कि आपके खोजते हैं, क्या खोजते हैं, तो आप जब आपको हमें कैसे पता चलता है आपके पास्ट के बारे में, तो हमें आपके जो है पास्ट आपका जो भूतपूर्व आपका क्या था, तो आर्कोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं तब उनको पता चलता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि आखिर हिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको स्टोन एज पढ़ा रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम ये आप हिस्ट्री पे कहाँ चले गए, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी हिस्ट्री पे मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि जिनको जिनको नहीं पता होगा वो जान जाएंगे, जिनको पता होगा उनका रिवाइज हो जाएगा। तो हिस्ट्री जो है ये आपके ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड आपके ग्रीक से ये वर्ड आपके लिया गया है जिसका मतलब होता है आपके हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान होता है आपके इसका मतलब। ठीक है, तो यही चीज के बारे में है। इसके अलावा कहा जाए तो आपके अलग अलग टूल जो थे आपके जो है आर्कोलॉजिस्ट बहुत सारे आपके जो है पत्थर उनको मिले। अब पत्थर मिले तो वो क्या सोची, पत्थर मिलने के बाद वो ये सोचे कि अच्छा अब इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। आप ही बताओ, आपको कुछ अनलिमिटेड इनको बहुत ज़्यादा पत्थर मिले तो उन्होंने सोचा कि भाई अलग अलग जैसे कि युग मैंने बताया पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक,
तो आपके अलग अलग में आपके इनको क्या कर दिया गया, तो विभाजन कर दिया गया, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में हो, इसलिए आपके कर दिया कर जाए गया। अब इससे आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आपके पाषाण युग जो कि आपके स्टोन एज है, जिसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ अभी। आप स्टोन एज जो है आपके चार भाग में आपके बट गए। उन चार भाग में अगर कहा जाए कौन कौन से थे, तो आपके पैलोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा न्यूलिथिक और चौथा आपके कैलोलिथिक। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम इसको थोड़ा हिंदी में इलेबरेट कर दी और अच्छे से बता देते तो बहुत ही बढ़िया रहता। तो चलिए और अच्छे से जानते और पता करते हैं। आपके पैलोलिथिक को आपके पाषाण काल, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण, न्यूलिथिक की बात किया जाए तो नव पाषाण, और कैलोलिथिक का आपके तम पाषाण काल के नाम से आपके जानते हैं। ठीक है, इनको जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी। आपके पैलोलिथिक अगर कहा जाए, आपके जैसे कि मैंने बोला कि पैलोलिथिक आपका पहला स्टेज था, किस चीज का पहला स्टेज था, तो ये आपके सबसे पहला युग था पैलोलिथिक। ठीक है, अब पैलोलिथिक के बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं आपके। ठीक है, अब पैलोलिथिक आपके तीन भाग में आपके डिवाइड हुए। क्यों आप बोलोगे मैम क्यों डिवाइड हुए, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि विभाजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को बेटर तरीके से समझ में आए, तो इसलिए विभाजन हुआ आपकी। अब विभाजन होने के बाद ये समझ में आया कि पैलोलिथिक का मतलब होता है लोअर पैलोलिथिक पहले आया, मिडिल पैलोलिथिक बीच, उसके बाद अपर पैलोलिथिक, तीनों का एक डेट है। लोअर पैलोलिथिक जो होते हैं आपके 6000 से 150,000 BCE तक थे। मध्य पैलोलिथिक की बात करें, मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें, तो आप देख सकते हो कि सारे का डेट मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आए। तो पैलोलिथिक जिसे पाषाण काल बोलते हैं, इसे आपके तीन भाग में आपके क्या किया गया, तो विभाजन किया गया। विभाजन क्यों किया गया, ताकि हमें बेटर तरीके से समझ पाए। अब हम लोग देखते हैं आखिर जो है निम्न पूरा पाषाण काल जो है आपके किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण था, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी जो है, जैसे कि आपको पता होगा, पृथ्वी जैसे कि मैंने बताया था आपके कि पृथ्वी आपके सबसे पहले हिमयुग के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी को हमारे पहला आपके जो है पहले उत्पत्ति नहीं थी। किस चीज की उत्पत्ति नहीं था, तो आपके हमारी हमारा जो था पूर्वज है उसकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो हमारी तो दूरी की बात आपके कहा जाए, तो आपके पृथ्वी जो था वो पूरी तरीके से सतह उसका किस चीज से आपके जो था वो आपके जो था ढका हुआ था, तो आपके जो था आइस से ढका हुआ था, जिसे हम लोग कह सकते हैं आपके बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं, तो आपके हिमयुग बोलते हैं। जिनको जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, बाकी मैं ऐसा नहीं है इंग्लिश देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्या सिर्फ इतने तक ही था, नहीं, आपके कहा जाए आपके तो अफ्रीका में 2 मिलियन ईयर एगो पहले जो है आपके पैलोलिथिक की निशानी मिली थी। उनमें से कहा जाए कौन कौन सी जगह आपकी निशानी मिली थी, तो आपके बेलन वैली। अब बेलन वैली कहाँ पे है, तो आपकी उत्तर प्रदेश में, और भी कई जगहों पे मिली है। अगर कहा जाए तो आपके कश्मीर में, थार डेजर्ट में, राजस्थान में, साथ ही साथ महाराष्ट्र और कई जगहों पे आपकी क्या मिली है, तो आपके निम्न पूरा पाषाण काल का आपकी इविडेंस मिला है, आपका जो है प्रमाण मिला है कि यहाँ पे जो है आपका शुरुआती दौर था आपके पूरा पाषाण काल का। इसके अलावा कहा जाए तो दो महत्वपूर्ण आपके आते हैं, उनमें से आते हैं आपके बिम्बेटिका जो कि आपके जो है मध्य प्रदेश में, वहां से भी आपके मिले हैं। और आप बोलोगे कि मैम थोड़ा सा आप बता देते कि क्या क्या चीज़ों कहाँ कहाँ मिले हैं आपके, क्या चीज़, तो आपके निम्न पूरा पाषाण काल के जो है आपके उदाहरण, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक मैप लगा दिया है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसमें आपको मैंने दे दिया है कि कहाँ कहाँ आपके जो है निम्न पूरा पाषाण काल का आपको क्या मिला है, तो प्रमाण मिला है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कि आपके जो है पृथ्वी आपके क्या था शुरुआती दौर में, आपके जो है बर्फ से ढका हुआ था, 2 मिलियन ईयर एगो पहले जो है आपके अफ्रीका में मिला था। इसके अलावा कहा जाए
तो भारत जो है आपका नहीं ज़्यादा आपका पुराना है, इसके अलावा कई जगहों पे आपके मिला था, चाहे वो बोरी हो, बेलन वैली हो, यूपी हो, या फिर बहुत सारे जगहों आपके कश्मीर हो, थार डिजर्ट हो, इन सब जगहों पे मिला था। सभी को गुड इवनिंग है, वेलकम टू द क्लासेस, और साथ ही साथ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आप बोलिएगा कि आप देखें पैलोलिथिक, मैंने जैसे कि बताया कि ऐसा नहीं था कि आपका छोटा सा काल था, उनमें बहुत सारे पत्थर मिले जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आप देखिए किस तरीके से पत्थर हुआ करते थे उस टाइम में। ना क्या होता था, लोग एक ही पत्थर हर जगह आपके इस्तेमाल नहीं करते थे, अलग अलग पत्थर जो हुआ करते थे अलग अलग जगहों पे आपके इस्तेमाल किया करते थे। अब हम लोग चलते हैं आपके मध्य काल में जो था, आपके पैलोलिथिक किस तरीके से था, ये चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। आपके तो होमोसेपियंस थे इस टाइम में। अब होमोसेपियंस क्या होते हैं, तो होमोसेपियंस की बात करें तो आपके जो थे ये हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं है जैसे कि मॉडर्न मैन जो कि हम थे, बट अगर कहा जाए होमोसेपियन आपके क्या थे, तो होमोसेपियन का अगर हिंदी में बात किया जाए तो वाइज माइंड होगा आपका इसका आंसर, बुद्धिमान आदमी। जैसे कि मैंने बोला था कि पहले आपका प्री आया, उसके बाद मिडिल आया, उसके बाद मॉडर्न आएगा अभी। तो अभी ये चीज़ समझिए कि मिडिल पैलोलिथिक एज जो है ये आपके क्या होते थे। तो होमोसेपियन का मतलब आपके वाइज मैन हुआ करते थे, इसमें आपके जो है छोटे छोटे पीसेस आपके इस्तेमाल होते थे, किस चीज़ की अगर बात किया जाए तो पत्थरों की, साथ ही साथ आपके जो है ब्लेड पॉइंट बॉर्डर ये सब आपके मिले हैं कहाँ पे, तो आपके मिडिल पैलोलिथिक एज में आपके प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कहा जाए तो आपकी नीवर नर्मदा हो, या फिर साउथ में आपकी तुंगभद्रा हो, या फिर विंध्याचल हो, कोई भी जगह जो है आपके वहाँ पे आपके क्या मिले हैं, तो आपके स्रोत मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये मध्य पूरा पाषाण काल में आपकी ये शायद हुए होंगे। ठीक है, हम लोग प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, हम लोग सोच ही सकते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं होमोसेपियंस अपर पैलोलिथिक एज जो था ये आपके क्या था। तो होमोसेपियंस की अगर बात किया जाए तो ये आपको कह सकते हैं आपकी मॉडर्न मैन के नाम से आप जान सकते हो कि होमोसेपियंस क्या थे, तो आप जो है मॉडर्न मैन थे। इस टाइम में क्या देखा गया था, जो इस टाइम में आपका जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा आपके ह्यूमिडिटी जो थी कम थी, साथ ही साथ लोग जो थे आपके इस्तेमाल करते थे पत्थर, साथ ही साथ और बेहतरीन पत्थर इस्तेमाल करते थे। अब इनमें से आता कि कौन कौन से जगह पे आपके इस्तेमाल करते थे, तो आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि में आप देख सकते हो आपके अपर पैलोलिथिक एज का। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिर जो थी लाइफ किस तरीके से थी पैलोलिथिक एज में, ये चीज हम लोग देखते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं था आपके क्लाइमेट के लिए कहा जाए, आपके जलवायु के बीच विशाल अंतर नहीं था, ऐसा कह सकते कि अच्छा बहुत ज्यादा अंतर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग क्या थे, तो घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस चीज़ के लिए जाते होंगे तो आपके खाने दाना पानी के लिए जाते थे, और साथ ही साथ कहा जाए आपके जो है लोग बड़े बड़े जानवरों का क्या करते थे, तो शिकार करते थे। अब बड़े जानवरों का शिकार करने से क्या होता था, तो बड़े जानवर का शिकार जब करते थे तो वो आपके काफ़ी दिनों तक खा पाते थे, श्रम विभाजन था, साथ ही साथ आदान प्रदान होता था। अब पहले के दौर में अगर कहा जाए तो आपके पैसे की तो थी नहीं, तो पैसे के बिना लोग क्या करते, तो पैसे के बिना लोग ये करते थे कि लोग आदान प्रदान करते थे। किस चीज़ का आदान प्रदान करते थे, तो भाई सामान का लेन देन करते थे, उनको जो चाहिए होता था वो उस तरीके से ले लेते थे, कोई प्रमुखता नहीं थी आपकी। साथ ही साथ जो है भाषा का संचार विधि भी होती थी, अगर कहा जाए आपके उस टाइम में आपकी मस्तिष्क या फिर कह सकते हैं आपके स्कल किस तरीके से थी, तो ये आप देख सकते हो कि आपको मैंने फिगर लगा दिया है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब जो है आपकी क्लास खत्म होती है, अब मिलते हैं अब हम लोग कल। तो अगले दिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे आप लोग को कोई चीज़ मोटिवेट करता है मुझे आप लोग करते हो मोटिवेट,
इसलिए आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो लाइक और शेयर इसी तरीके से किया कीजिए, सभी का वेलकम रहता है मेरी क्लास में, और प्यार इसी तरीके से दीजिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।